Good morning, students. This is the explanation of your chapter number 9, that is log on to Animate CC. So in this chapter we are going to study about the Animate CC software. This is basically a software which allows you to make the animation by using different tools that provide us. Okay, so yahan pe how we can start the Animate CC. First, let's just see. We just have to click on the start button and then click on the all programs, and after that hame choose karna hai Adobe Animate CC. Okay, and after that aapko is tarah ka screen aayega, and isme se we just have to click on the action script 3.0. okay, after selecting this we will see our Animate CC window screen will appear. Okay, now let's just see what are the components of Animate CC. okay, so first we get the menu bar. यहाँ पे हमें मेन्यू बार मिलता है इसका, एंड देन उसके जस्ट नीचे वी गेट अ स्टेज एरिया, एंड ये स्टेज एरिया में ही आप लोग आपका एनिमेट के कैरेक्टर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, या उसका एनिमेशन होता हुआ भी हम लोग एग्जीक्यूट होता हुआ भी देख सकते हैं. नेक्स्ट वी विल सी आपका टूल्स पैनल. दिस इज़ अवर टूल्स पैनल. यहाँ पे आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे. बाई यूजिंग ऑल दिस टूल्स यू कैन क्रिएट, यू कैन ड्रॉ, पेंट और सेलेक्ट और मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट यू हैव ड्रॉन इन द स्टेज एरिया. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज. दिस इज़ योर प्रॉपर्टीज पैनल. आपके टूल्स के बगल में ही हमें लाइब्रेरी एंड प्रॉपर्टीज टैब मिलते हैं, एंड दिस इज़ अवर प्रॉपर्टीज पैनल. वट एवर टूल यू आर सेलेक्टिंग फ्रॉम योर टूल्स पैनल, उससे ही रिलेटेड आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्प्ले होंगी. ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे टाइमलाइन मिल रहा है, एंड दिस टाइमलाइन इज बेसिकली अलाउज यू, ये आपका टाइम फ्रेम्स बताता है, एंड इन्हीं टाइम फ्रेम्स पे आपका जो भी मूवमेंट होता है कैरेक्टर्स का ऑनटू द स्टेज वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो. नाउ यूजिंग टूल्स पैनल, हाउ यू कैन यूज द टूल पैनल. यहाँ पे हमें डिफरेंट टूल्स जो मिल रहे हैं आपके टूल पैनल में, दीज आर द पॉइंटर्स जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर यूज फॉर सेलेक्शन. आप इनको यूज़ करके सेलेक्शन टूल्स होते हैं, सेलेक्ट कर सकते हो. ओके, एंड यहाँ पे डिफरेंट और भी ऑप्शंस हैं, दोज आर ऑल्सो नोन एज योर सम काइंड ऑफ, अगर आपको ड्रॉ करना है रेक्टेंगल या शेप्स को ड्रॉ करना है तो आप ये रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हो. लाइकवाइज आपके पास में ओवल है एंड हेक्सागन है. इन डिफरेंट शेप्स से वी कैन ड्रॉ डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स ऑन टू द स्टेज एरिया. उसके अलावा वी गेट अ पेन एंड अ टेक्स्ट. आपको पेन मिल जाता है टू ड्रॉ एनीथिंग ऑन टू द स्टेज. इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट भी मिला हुआ है. टेक्स्ट से यू कैन टाइप एनी टेक्स्ट ऑन टू द स्टेज. आप कुछ भी टेक्स्ट मटेरियल डाल सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो. वी गेट अ कलरफुल ऑप्शन. आपको यहाँ पे कलर पिकर मिल रहा है, इरेजर मिल रहा है, एंड यहाँ पे व्यू सेक्शन है. दिस हैंड इज़ यूज टू, आपको ग्रैब कर सकते हो, आपके पेज को मूव कर सकते हो. आपको यहाँ पे एक मैग्नीफायर ग्लास मिल रहा है, दैट इज़ यूज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, और यह जूम इन जूम आउट करके भी आप चीज़ों को देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट वी गेट अ कलर सेक्शन हियर. यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, आपको जो भी आपके ऑब्जेक्ट में कलर्स डालने हैं यू कैन पिक ऑल दोज कलर्स फ्रॉम देयर. नेक्स्ट इज ड्रॉइंग टूल्स. सो ये जो हमें मिल रहा है, दीज आर ऑल द ड्रॉइंग टूल्स वी गेट इन अवर टूल पैनल. फर्स्ट इज रेक्टेंगल टूल. बाई यूजिंग दिस रेक्टेंगल टूल यू कैन क्रिएट अ रेक्टेंगल ऑन योर स्टेज, एंड हम उसके राउंड कॉर्नर्स भी बना सकते हैं एंड पॉइंटेड कॉर्नर्स रेक्टेंगल भी बना सकते हैं. दीज पॉइंटेड एंड कॉर्नर रेडियस के लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिलती है, दैट इज रेक्टेंगल ऑप्शन के लिए. यहाँ पे वी गेट कॉर्नर रेडियस के लिए ऑप्शंस मिलते हैं. आप चाहो तो एक साइड का भी कॉर्नर्स आप चेंज कर सकते हो, और चाहो तो आप सारे साइड्स के कॉर्नर्स को आप चेंज कर सकते हो. ओके, आप रोटेट उनको थोड़ा सा कर्व कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द कलर. आप लोग आपके रेक्टेंगल के लिए कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फिल कलर, एंड स्ट्रोक कलर से आप आपके रेक्टेंगल के आउटलाइन के कलर्स को भी पिक कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे पेंट बकेट टूल. बाय यूजिंग दिस पेंट बकेट टूल यू कैन फिल द कलर, वट एवर कलर यू आर चूजिंग आप उसको फिल कर सकते हो ऑन टू योर रेक्टेंगल. नेक्स्ट इज पॉली स्टार टूल. ओके, दिस पॉली स्टार टूल विल हेल्प यू टू ड्रॉ पॉलीगन और स्टार्स ऑन टू द स्टेज.
ये जो पॉलीस्टार का टूल होता है, दिस इज ऑल्सो वी गेट इन अवर ड्रॉइंग टूल. ये रहा आपका पॉलीगन टूल. सो बाय यूजिंग दिस पॉलीगन टूल आप या तो पॉलीगन का शेप बना सकते हो आपके स्टेज में, या फिर आप स्टार का शेप भी क्रिएट कर सकते हो. सो वट एवर शेप यू आर यूजिंग, अगर आपको सपोज स्टार बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस पॉली स्टार टूल. जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये सेक्शन मिल जाएगा लाइक सो. ओके, सो यहाँ पे पॉली स्टार टूल से जब भी आप करोगे इसमें डिफरेंट आपको पूछेगा लाइक विच शेप यू वॉन्ट टू ड्रॉ, तो उसमें से हमें स्टार शेप को चूज करना है. एंड ये डायलॉग बॉक्स एक आएगा, इसमें वी जस्ट हैव टू सेलेक्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट, आपका स्टार का पॉइंट क्या होगा या पॉइंट साइज क्या होगा. सो दैट पॉइंट साइज विल हेल्प यू कि ओके. सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू सेम, वापस से मैं एक बार ही बता देती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट अ स्टार हमें पॉलीस्टार टूल को क्लिक करना है. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पॉलीस्टार टूल वी विल गेट सर्टेन, जैसे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिल रही थी वैसे आपको पॉलीस्टार का भी प्रॉपर्टीज मिलेगा. लाइक ये आपको विजिबल हो रहा है हियर. यहाँ से हमें स्टाइल को चूज करना है एंड बाई यूजिंग दैट स्टाइल आपको स्टार ऑप्शन को चूज करना होगा. ओके, स्टाइल में वी आर चूजिंग द स्टार स्टाइल. ओके, नाउ नंबर ऑफ साइड्स का यहाँ पे वी गेट अ स्मॉल डायलॉग बॉक्स हियर. इसमें टूल सेटिंग में आपको नंबर ऑफ साइड्स में जितने भी आपको पॉइंट का साइड्स का स्टार चाहिए है, जैसे हमें कितने साइड्स के चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5. सो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स में 5 डालना है. एंड जितने भी नंबर्स का पॉइंटेड आप चाहिए है स्टार्स आप वो यहाँ पे डाल सकते हो. इट कैन बी ऑफ एनी नंबर, ये 3 से लेकर के 32 तक का कोई भी डिजिट हो सकता है. इट कैन बी फ्रॉम 3 to 32. दैट मीन्स आपके ये पॉइंटर जो हैं वो 3 से स्टार्ट होंगे एंड इट कैन बी अप टू, इट कैन गो अप टू 32 नंबर. सो अभी ये हमारे 5 साइड्स हैं, सो हम यहाँ पे 5 टाइप करते हैं. एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्टार पॉइंट साइज. नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे स्टार पॉइंट साइज पूछ रहा है. दिस स्टार पॉइंट साइज कैन बी ऑफ 0 and 1. 0 and 1 के बीच का कोई भी वैल्यू आप इसमें यूज कर सकते हो. बेसिकली ये जो आपका स्टार पॉइंट साइज होता है वो आपके स्टार की ये डेप्थ को डिफाइन करेगा. ओके, सो साइड्स इनको डिफाइन करेगा एंड जो हमारा पॉइंट साइज होता है, स्टार पॉइंट साइज होता है, वो आपके स्टार की डेप्थ को डिफाइन करेगा. आफ्टर डूइंग दी सेटिंग्स आपको क्लिक करना है ओके पे. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ओके यू विल गेट अ प्लस साइन एंड उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना, सॉरी जस्ट क्लिक करिएगा एंड ड्रैग करिएगा एंड रिलीज करिएगा आपका माउस. जैसे आप माउस रिलीज करोगे आपका वो शेप यहाँ पे बन जाएगा. नेक्स्ट इज लाइन. लाइन टूल इज यूज टू मेक लाइन्स ऑन टू अवर स्टेज एरिया. सो लाइन टूल्स के लिए भी हमें यहाँ पे ये लाइन मिलती है. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लाइन अगेन यू कैन सी उसके प्रॉपर्टीज सेक्शन में आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी लाइन्स की. लाइक हाउ विच टाइप ऑफ लाइन यू वांट, कि आपका सॉलिड लाइन हो, डैश्ड लाइन हो, या फिर आपकी लाइन की थिकनेस कितनी होगी, आपकी लाइन का कलर क्या होगा. ओके, सो ऑल दिस आपकी लाइन की स्टाइल क्या होगी, वट एवर यू वॉन्ट टू चेंज, वट एवर सेटिंग यू वॉन्ट टू डू, आप ये सारे सेटिंग्स इनको चूज के इन टूल्स को चूज करके ऑप्शंस को चूज करके सेटिंग्स कर सकते हो. आफ्टर डूइंग ऑल द चेंजेस, जो भी कलर आपने सेलेक्ट कर लिया, आपकी लाइन की थिकनेस सेलेक्ट कर ली, लाइन की स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद में यू जस्ट हैव टू क्लिक करना है आपको आपके स्टार्ट पॉइंट जहाँ पे भी होगा लाइन की, आपको वहाँ पे क्लिक करना है. एंड देन जस्ट आपको क्लिक करना है ऑन टू द एंड पॉइंट, जहाँ पे भी आपकी लाइन एंड होने वाली होगी वहाँ पे आपको क्लिक करना है. व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट आपका वहाँ दोनों पॉइंट्स को लेकर के एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा. ओके, नाउ कर्विंग. सो वी कैन ऑल्सो मेक अ स्ट्रेट लाइन इन टू अ कर्व लाइन. यू कैन चेंज द स्ट्रेट लाइन इन टू अ कर्व लाइन. उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले और टू क्रिएट अ कर्व लाइन हमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है हमारे स्क्रीन पे. एंड आफ्टर दैट आपको सेलेक्शन टूल क्लिक करना है. ओके, यू जस्ट हैव टू चूज द सेलेक्शन टूल. आपको ये जो सेलेक्शन टूल मिल रहा है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट सेलेक्शन टूल.
उसको सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद में जिस भी डायरेक्शन में आपको कर्व चाहिए है आप उस डायरेक्शन में आपके लाइन को स्ट्रेच करना है. जस्ट क्लिक एंड स्ट्रेच टुवर्ड्स दैट एंगल एंड आपकी लाइन जिसे आप माउस रिलीज करोगे आपका लाइन उस डायरेक्शन में कर्व हो जाएगा. नेक्स्ट इज पेन टूल. ओके सो ये पेन टूल में बेसिकली इट जस्ट लाइक अ वो पेन, ये जैसे आप पेन आपका यूज़ करते हो वैसे ही ये हमारा पेन टूल हमें मिलता है. बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये वर्क करता है. दिस पेन इज़ बेसिकली यूज टू ड्रॉ प्रिसाइज पाथ. हम लोग यहाँ पे इस पेन को यूज़ करके प्रिसाइज पाथ को ड्रॉ कर सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन या फिर आप कर्व लाइन्स भी ड्रॉ कर सकते हो. हाउ वी कैन यूज़ अ पेन टूल. सबसे पहले आपको पेन टूल को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द टूल पैनल एंड उसके बाद हमें एक एंकर पॉइंट बनाना है. दैट मीन्स यू कैन क्लिक एनी वेयर, जहाँ पर भी आपको लाइन स्टार्ट करनी है, जहाँ से भी स्टार्ट करनी है आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा. दैट विल बी योर एंकर पॉइंट एंड जहाँ तक आपको लाइन्स लेकर के जानी है वहाँ पर आप एंकर बी पॉइंट, वहाँ पर सेकेंड पॉइंट आपको क्लिक करना है. जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे हमें सबसे पहले एंकर ए पे क्लिक करना है या दिस पॉइंट यहाँ जहाँ पे भी आपका स्टार्टिंग होगा वहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड दैट फर्स्ट पॉइंट इज नोन एज योर एंकर पॉइंट. एंड नेक्स्ट आपकी जहाँ तक लाइन जाएगी आपको वहाँ पे क्लिक करना है. सपोज मैं चाहती हूँ ये लाइन यहाँ तक जाए तो मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है. वेन यू क्लिक ऑन द दिस सेक्शन बी में, जब उसको हम बी एंकर पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे बोलेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो ऑन टू द बी पॉइंट आपकी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी फ्रॉम ए टू बी. लाइक सेम वे वेन यू क्लिक ऑन दिस साइड तो आपका एक और लाइन ड्रॉ हो जाएगा बाई यूजिंग दिस बी एंड सी. ओके एंड अगर आपको इसको क्लोज करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू क्लोज योर पाथ, अगर आपको ये पाथ को क्लोज करना है तो अगेन आपको बी एंड ए में मतलब सी से ए पे जाकर के क्लिक करना होगा. आफ्टर सी यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द ए तो ये आपका एक क्लोज पाथ बन जाएगा. ओके वी कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन पाथ ऑल्सो और यू कैन ऑल्सो मेक अ कर्व लाइन पाथ. ओके सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पाथ्स बनते हैं, वन इज ओपन पाथ एंड वन इज क्लोज पाथ. सो अगर आपको एक ओपन पाथ बनानी है तो यू डू नॉट हैव टू मीट योर लाइन अगेन टू द ओपनिंग एंकर. जो भी आपका फर्स्ट एंकर होएगा वहाँ पे वापस आपको ये लाइन मीट नहीं करवाना है. जस्ट हैव टू डबल क्लिक, जहाँ पे भी आपको लाइन को एंड करना है और अगर आप यहाँ पे एंड करना चाहते हो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके एंड आपकी लाइन को या आपका जो पाथ है उसको क्लोज करना होगा. एंड इफ़ यू वॉन्ट कि आपका एक क्लोज पाथ बने सो आपको क्या करना है, वापस से आपका जो भी स्टार्टिंग होगा वहीं पर ला करके वापस से आपको एंड करना होगा, वहीं पर मीट करवाना होगा आपके लास्ट एंड को. ओके सो दैट इन दैट वे वी कैन यू कैन मेक अ क्लोज पाथ. एंड अगर ओपन पाथ बनाना है तो आपको जस्ट जहाँ पे भी आपका एंड हो रहा है पाथ वहाँ पे डबल क्लिक करके उसको ओपन छोड़ना होगा. सो दिस इज योर पेन. बेसिकली पेन